नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। कुल्लू में नेपाली से पकड़ी 1.5 किलो चरस, पुलिस को गश्त के दौरान कामयाबी। जिला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 534 ग्राम चरस के साथ नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय मंगलचंद निवासी नेपाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू पुलिस टीम रामशिला त्राम्बली चंसारी बरोगी क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान पुइद के पास पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा। शक के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलो 534 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर खिल उठे इंदौरा के किसान, मिठाई बांटी मनाई खुशी। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून रद्द किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए बिलों को अपनी जीत के रूप में देख रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस अवसर पर गदगद दिखे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस किसान कमेटी अध्यक्ष विशाल चंबियाल ने कहा कि अभी केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बिल वापस लेने का फैसला लिया है, ये फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था ताकि सैकड़ों किसानों की जान ना जाती। जब तक केंद्र सरकार संसद में इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक जश्न अधूरा ही रहेगा। जल्द ही केंद्र सरकार को संसद में इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।